Subscribe and press the bell icon for latest update. गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान गुरुवार की सुबह से शुरू हुआ। पहले चरण का मतदान 9 दिसंबर को हुआ। 89 सीटों पर हुए चुनाव के बाद कांग्रेस बीजेपी ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है। वैसे अभी तक मतदाताओं के मूड को ठीक से परखा नहीं गया। गुरुवार को उत्तर और मध्य गुजरात में दूसरे चरण का मतदान सम्पन्न हुआ। यही 93 सीटें तय करेंगी कि गुजरात में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। 2012 के चुनाव में इन 93 सीटों में बीजेपी को 53 सीटें मिली थी। कांग्रेस को 38 से संतोष करना पड़ा था। एक एक सीट एनसीपी और निर्दलीय ने जीत ली थी। गुजरात में दो मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल के दौरान कई आंदोलन हुए, जिसमें पाटीदार आरक्षण आंदोलन मुख्य था। कांग्रेस ने इस आंदोलन का पूरा लाभ उठाया। आंदोलन चलाने वाले तीनों प्रमुख नेता का कांग्रेस ने अपनी तरफ मिलाकर बाजी मार ली थी। हार्दिक पटेल ने कांग्रेस का फार्मूला स्वीकार कर लिया, परंतु कांग्रेस ने अपना समर्थन नहीं दिया। दूसरे चरण के मतदान के लिए उसने अपनी सभाओं में बीजेपी को वोट न देने के लिए लोगों से शपथ दिलवाई। SPN न्यूज रूम की रिपोर्ट।